नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजय देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी के फुल अपडेट के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि गदर 2 मूवी के लिए फैंस और ऑडियंस कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ संजय देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी का कितना ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ है। जिस तरीके इस समय जो कि चुनाव का क्रेज़ बना हुआ है, और वहीं दोस्तों जिस तरीके से गदर 2 का जो कि क्रेज़ बना हुआ है बखूबी से जो कि ऑडियंस के मुंह पे नजर आ रहा है, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि जिस तरीके से चुनाव का क्रेज बना है उससे कहीं ज्यादा गुना जो कि गदर 2 मूवी का क्रेज बना हुआ है, और साथ ही साथ गदर 2 मूवी की रिलीज डेट का अनाउंस बहुत ही जोरों शोरों से कर दिया गया है, और वहीं जो कि गदर 2 मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है लोग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि संजय देओल स्टारर फिल्म गदर मूवी जिस तरीके से रिलीज हुई थी और उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, वैसे ही गदर 2 मूवी जो कि बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से जो कि यूट्यूब पे, ट्विटर पे और वहीं दोस्तों इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चल रही है। आप लोगों को बताया चले कि गदर 2 मूवी में आप लोगों को जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से एक्शन दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ संजय देओल पहले से ज़्यादा डेडली लुक में आप लोगों को नजर आएंगे इस फिल्म में, जो कि पुराने ही स्टार कास्ट आप लोगों को दिखाई दिए हैं इसमें। आप लोगों को जो कि डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, और वहीं दोस्तों जिन्होंने गदर को बनाया था, और वहीं गदर 2 मूवी को ही अनिल शर्मा बना रहे हैं, और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को संजय देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। हालांकि जो कि उत्कर्ष शर्मा गदर में छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन इस फिल्म में यानी कि गदर 2 मूवी में आपको जो कि यंग रूप में दिखाई देंगे, और वहीं दोस्तों जो कि संजय देओल जो कि पाकिस्तान से उत्कर्ष शर्मा को लाने जाएंगे, यानी कि अपने बेटे को लाने जाएंगे। अगली बार अपनी जो कि धर्मपत्नी को लेने गए थे, इस बार जो कि वो उत्कर्ष शर्मा यानी कि अपने बेटे को लाने जाएंगे पाकिस्तान। वहीं आप लोगों को बताए चले कि इस मूवी को जोरदार और शानदार तरीके से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताए चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए की ओपनर साबित होगी गदर 2 मूवी। तो आप लोगों को क्या लगता है गदर 2 मूवी कितने करोड़ रुपए का कारोबार करेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।